हेलो एवरीवन, आज निकल पड़े हम लोग जा रहे हैं आइल ऑफ वाइट। ये जगह कैसी है आपको बताएंगे। हम लोग एक टूर बुक किया था, एंजल टूर गाइड, तो डे ट्रिप है। आज सुबह जा रहे हैं, शाम को फिर वापस आएंगे। ईस्ट टाइम से पिकअप हुआ, अभी हिलफोर्ड में है। हिलफोर्ड से भी पिकअप था लेकिन हमें पता नहीं था, नहीं तो मैं शायद यहीं से पिकअप लेता। स्टार्ट किया है ईस्ट टाइम से, देन 3 पिकअप पॉइंट्स हैं, उसके बाद सीधा निकाल देंगे आइल ऑफ वाइट। फाइनल पिकअप हो चुका है और अभी हम लोग धीरे धीरे लंदन के बाहर निकलने वाले हैं। बीच में एक हॉल्टिंग स्टेशन आया जहाँ पे 10 मिनट्स का ब्रेक था फॉर टी कॉफी एंड वॉशरूम, किसी को जाना है अगर, जैसे हमेशा होता है यहाँ पे। और सुबह बारिश भी हुआ थोड़ा सा, होपफुली पूरा दिन ऐसे ड्राई रहे, बारिश ना हो। अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं, देखते हैं। 40 मिनट्स यहाँ से? हाँ ऐसे ही होगा, ठंडा भी है, चिलिंग लग रहा है, जैकेट लाना जरूरी था। आगे से आप याद रखिए, कहीं भी अगर यूके में घूम रहे हो तो जैकेट साथ में रखना जरूरी है। जरूरी है। जितना हम आगे बढ़ते रहे बाहर का व्यूज उतना ही अच्छा होता गया। हम लोग पहुंच गए साउथहैम्पटन पोर्ट, यहां से फेरी सर्विस है टू आइल ऑफ वाइट। तो उधर क्या है, उधर वो पार्किंग करेंगे शायद, उधर पार्किंग नहीं करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। अच्छा, बस कैन पास। ओके, वी कैन से जब भी ज्यादा बिजी होता है ना तो ग्राउंड फ्लोर, फिर वो उसके ऊपर, फिर इधर, हर जगह तो पार्किंग करते हैं। अभी थोड़ा क्वाइट है तो वो स्पेस खाली रखा है। अच्छा, चलो ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं सीनरी कितना अच्छा है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस राइड का, लोग थोड़ा कम होते तो अच्छा होता लेकिन काफ़ी भीड़ है ना। हाँ, इसमें डेक में काफ़ी भीड़ है लेकिन डेक पे रहना है ना अभी जाते हैं। हाँ, भीड़ है, बाहर बहुत ठंड है, हम लोग चाह रहे हैं अंदर। हम लोग पहुंच गए आइल ऑफ वाइट ईस्ट काउस पोर्ट। यहाँ से बाई रोड जाना पड़ेगा द नीडल्स, जो वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस है यहाँ का। बाहर का नज़ारा इतना अच्छा और इतना पीसफुल है, क्या ही बताएं। और यहाँ के ज़्यादातर लोग लंदन या दूसरे कोई सिटीज़ में रहना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग ज़्यादातर आउटस्कर्ट्स या कंट्री साइड में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्यों। हम लोग आ गए नीडल पॉइंट पे, यहीं से हमें टिकट लेना है, यहाँ से चेयर लिफ्ट मिल जाएगा हमें। और एक 4D शो है उसको भी देखेंगे। यहाँ पे बच्चों का शोज चल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं चेयर लिफ्ट के लिए, टाइम ज़्यादा नहीं दिया
ढाई घंटा ऑलरेडी 15 मिनट्स बीत चुका है. चेयरलिफ्ट लेने वाले हैं, ये देखिए एक एक करके छोड़ रहे हैं सबको. साथ ही बैठे आ रहे हैं. बैठ जाओ. क्या पैर रखने की भी जगह है तो हम लोग बैठ चुके हैं. ऐसे दुलकी मार रहा है ये. नज़ारा काफ़ी अच्छा होगा यहाँ इसके आगे. डर के आगे जीत है अभिजीत. तो टाइम ज़्यादा नहीं देते हैं, ढाई घंटे यहाँ पे दिया लेकिन अभी लग रहा है ढाई घंटा बहुत ही कम है. पानी भी कितना क्लियर है यार. हाँ पानी कलरफुल भी है, देखो ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, ग्रीन डार्क ग्रीन दिख रहा है मेरे को और आगे ब्लू दिख रहा है. While going return, we can... It works just like a bus, mate. You can get back on whenever you like. Yeah. Boat ride भी ले सकते हैं पलाश भाई. 20 मिनट का ही है. हाँ, boat ride ले सकते हैं actually. वो कहाँ रखे आप बोलने?